स्वागत है आपको एक नई वीडियो में। दोस्तों, हमारी देश भारत दुनिया का सबसे तेजी के साथ विकसित होने वाला देश है। ग्लोबल इंडेक्स की डेटा के अनुसार भी भारत वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री है। विश्व की शक्तिशाली देशों में भी भारत चौथे नंबर पर विराजमान है। और भारत में आने वाले समय में मेगा प्रोजेक्ट्स तैयार होने के बाद हमारी देश और शक्तिशाली बन जाएगी, जो दुनिया के किसी भी बड़े देश को टक्कर दे सकता है। विश्व की बाकी देश की तरह हमारे देश में भी कुछ कमियां हैं, लेकिन ये कमियां हमारे देश को शक्तिशाली बनने से कोई नहीं रोक सकता। आइए जानते हैं आने वाले समय में हमारे भारत में बनने वाले मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में। लेकिन उससे पहले, चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दे ताकि आने वाले लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहे। सोजिला टनल। भारत सरकार ने यातायात के माध्यम को और बेहतरीन बनाने के लिए कुछ जगह पे टनल बनाने का काम शुरू किया है, जिसमें सोजिला टनल भी शामिल है। सोजिला टनल कश्मीर रीजन में श्रीनगर कारगिल लेह नेशनल हाईवे पर बनने जा रहा है। ये टनल 11,578 किलोमीटर ऊंचाई पे बनने जा रहा है। इस टनल की कुल लंबाई है 14.5 किलोमीटर। साल के ज्यादातर समय श्रीनगर से कारगिल और लेह में भारी स्नोफॉल के चलते सड़क बंद रहता है। और आपको पता है, कश्मीर जैसे हाई सिक्योरिटी जोन पे आर्मी को आने जाने में काफी मुश्किल होती है, लेकिन अगर टनल बन जाए तो काफी सुविधा मिलेगी। सोजिला टनल बनाने के लिए सरकार को करीब 7,000 करोड़ का लागत आएगा। 2025 तक सोजिला टनल बन के तैयार हो जाएगा। सबसे खास बात यह है कि श्रीनगर से कारगिल लेह जाने के लिए 3.5 घंटे से भी ज्यादा समय लगता है, जो साल के ज्यादातर समय बर्फबारी के वजह से बंद रहता है। पर टनल तैयार होने के बाद महज 15 मिनट के अंदर ही ये दूरी तय कर लिया जाएगा। चेन्नई बेंगलोर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट के बारे में तो हम सब जानते हैं, बिल्कुल उसी तरह चेन्नई बेंगलोर कॉरिडोर भी डेवलप किया जा रहा है। चेन्नई से बेंगलोर तक इसमें कई सारे शहर इंक्लूड होगी। भारत सरकार की लक्ष्य इंडिया की साउथ पार्ट में कॉमर्शियल हब बनाना। ये कॉरिडोर इंडिया की 5 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में से एक है, जो नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन के अंडर है। देश की इकोनॉमी बजट में फाइनेंस मिनिस्टर अपने स्पीच में इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया था, जिसे जाइका मतलब जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी एंड इंडियन गवर्नमेंट के कोलैबोरेशन के साथ डेवलप किया जाएगा। चेन्नई बेंगलोर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने के लिए सरकार को करीब 1,000 करोड़ से भी ज्यादा खर्च आएगी। गंगा एक्सप्रेसवे। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने अपने कैबिनेट मीटिंग में गंगा एक्सप्रेसवे की घोषणा किया है। कहा जा रहा है ये दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा बनने के बाद, जो मेरठ से प्रयागराज तक जुड़ेगा। बाद में ये राजधानी दिल्ली तक लाने की भी प्लानिंग है। गंगा एक्सप्रेसवे अपने आप में एक बहुत ही बड़ी प्रोजेक्ट है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट की कुल लागत है 36,000 करोड़ रुपए, जो बहुत ही बड़ी अमाउंट है। एक्सप्रेसवे को 6,556 हेक्टेयर जमीन के अंदर बनाया जाएगा। इस एक्सप्रेस की कुल लंबाई होगी 600 किलोमीटर। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ, अमरोहा, बुलंदशहर, शाहजहानपुर, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ जैसे जगह होकर गुजरेगी। एक्सप्रेसवे 6 या फिर 4 लेनों का हो सकता है, जो अभी तक तय नहीं हुआ है। गंगा एक्सप्रेसवे पूरी तरीके से कंप्लीट होने के बाद इसकी कुल लंबाई होगी 1,020 किलोमीटर। प्रोजेक्ट को टोटल 2 फेज में कंप्लीट किया जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे बनने के बाद दिल्ली से प्रयागराज तक सीधे सड़क होगा, तो समय भी कम लगेगा, जो ट्रेडिंग में इसका फायदा पहुंचेगी, जिसका सीधा प्रभाव बाजार पर पड़ेगा। ओवरऑल गंगा एक्सप्रेसवे बनने पर पूरे देश में कनेक्टिविटी इम्प्रूव होगी। चंद्रोदय मंदिर वृंदावन। भारत के वृंदावन में बनने जा रहा है भारत का सबसे ऊंचा मंदिर। स्कंद द्वारा बनाई जा रही है इस विशाल 70 मंजिला मंदिर को, जो 210 मीटर ऊंची मंदिर होगी तैयार होने के बाद। इस मंदिर को पिरामिड आकार में बनाई जा रही है, जैसे आप अभी इस वीडियो में देख पा रहे हैं। इस विशाल आकार मंदिर में 4D के माध्यम से देव देवी की लीला भक्तों को दिखाया जाएगा। मंदिर में देवताओं की 3 लोग बसने वाले दृश्य को दिखाया जाएगा, जिसे एक ही समय में सभी भक्त देख पाएंगे। ऐसी विशाल और आधुनिक मंदिर भारत में इससे पहले कहीं पर नहीं बनी है। मंदिर के आसपास के वातावरण को भी मंदिर से मिल रखते हुए बनाई जा रही है। चंद्रोदय मंदिर 9 लाख टन के वजन को भी सहन कर सकता है।
170 किलोमीटर के रफ्तार के तूफान को भी झेल सकता है ये मंदिर। मंदिर के आसपास में प्राकृतिक वनों का वातावरण तैयार किया जाएगा। मंदिर में प्रवेश के लिए स्काई वॉक होगी। मंदिर के ऊपर जाने के लिए लिफ्ट भी होगी। मंदिर को बनाने में इस्कॉन को कई हजार करोड़ रुपए का लागत आएगी। चंद्रोदय मंदिर तैयार होने के बाद वृंदावन तथा भारत को अलग पहचान मिलेगा। अंडरवाटर मेट्रो। भारत के कोलकाता शहर में देश का सबसे पहला अंडरवाटर मेट्रो बनाई जा रही है, जो कोलकाता से हावड़ा शहर तक एक दूसरे को मेट्रो से कनेक्ट करेगा। गंगा नदी के नीचे अंडरवाटर मेट्रो टनल को बनाया गया है, जिसे दो टनल बोरिंग मशीन रचना और प्रेरणा के माध्यम से 30 मीटर नीचे मिट्टी खोद के बनाई गई है। 2017 में टनल बनाने का काम शुरू किया गया था 2 TBM के मदद से, और इस काम के लिए खास लोगों को काम पे लगाया गया था। कोलकाता की ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर में अंडर वाटर मेट्रो को चलाया जाएगा, जो सॉल्ट लेक सेक्टर 5 होके हावड़ा मैदान तक टोटल कॉरिडोर होगा। इसमें शियालदा जैसे बिजी रेलवे स्टेशन होकर मेट्रो चलेगी। अंडर वाटर मेट्रो टनल बिल्कुल भूकंप विरुद्ध बनाई गई है। इसमें सारे सेफ्टी गार्ड मौजूद है, ताकि कोई भी इमरजेंसी के समय सारे यात्रियों को सुरक्षित बाहर लेकर आया जा सके। ईस्ट वेस्ट मेट्रो शुरू होने के बाद ही इंडिया का पहला अंडर वाटर मेट्रो भी चालू हो जाएगा। सिलीगुड़ी टू सिक्किम न्यू ग्रीन रेलवे लाइन। इंडिया के रेलवे मैप में आप सिक्किम जैसे पहाड़ी राज्य भी जुड़ने वाला है। सिलीगुड़ी शहर के सेबक से होके सिक्किम के रंगपो तक न्यू ग्रीन रेलवे लाइन बनाया जा रहा है। साल 2009 में इस रेलवे लाइन का उद्घाटन किया गया था। इसकी जियोग्राफी लोकेशन इस रेलवे लाइन को बहुत ही खास बनाता है। सेबक से रंगपो तक रेलवे लाइन बनाने का काम नॉर्थ ईस्ट रेलवे फ्रंटियर कर रहा है, जो 2021 साल के जून महीने तक कंप्लीट करने की लक्ष्य है। इस प्रोजेक्ट के लिए कुल 4,084 करोड़ रुपए का खर्च होगी। अभी सिक्किम के सबसे नजदीक रेलवे स्टेशन है एनजीपी और सिलीगुड़ी। अभी सिलीगुड़ी से गैंगटॉक जाने के लिए करीब करीब 4 घंटे का समय लगता है, जो साल के कुछ समय लैंडस्लाइड के वजह से बंद रहता है। लेकिन रेलवे लाइन बनने के बाद महज कुछ ही समय के अंदर ही सिलीगुड़ी से रंगपो तक जाया जा सकता है। इसमें कुल रेलवे रूट है 41.45 किलोमीटर, जिसमें ओनिस ब्रिज और 14 टनल भी शामिल होगा। मुंबई टू एलिफेंटा केप लॉन्ग रोपवे केबल कार प्रोजेक्ट। अब मुंबई टू एलिफेंटा केप तक लॉन्ग रोपवे केबल कार्स का प्लानिंग बनाई गई है पर्यटन में तेजी लाने के लिए। एलिफेंटा आइलैंड ईस्ट मुंबई से 10 किलोमीटर दूर पर बसा है। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट और केंद्रीय जहाज मंत्रालय ने देश के सबसे लंबे 8 किलोमीटर का रोपवे का निर्माण करने की योजना बनाई है, जो मुंबई के तट पर शिवरी के रायगढ़ जिले के एलिफेंटा आइलैंड तक जाएगा। पर्यटन संस्कृति मंत्रालय और जहाज मंत्रालय की एक उच्च स्तरीय बैठक हाल ही में मुंबई में हुआ है। मुंबई के तट से एलिफेंटा आइलैंड तक रोपवे बनाने के लिए, जिसकी मंजूरी जल्द ही मिलने वाला है। समुन्द्र के ऊपर से रोपवे हिंदुस्तान में ये पहली बार है, और वो भी 8 किलोमीटर का रोपवे होने वाला है ये, जो बनने के बाद हिंदुस्तान का पहला सबसे लंबी और समुन्द्र के ऊपर रोपवे होगा। इस प्रोजेक्ट के लिए अरब सागर के ऊपर 8 से 11 टावर्स बनाई जाएगी, जिसके ऊपर से रोपवे को आगे ले जाया जाएगा। इस रोपवे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में 700 करोड़ रुपए का लागत आएगा सरकार को, और प्रोजेक्ट को मुंबई पोर्ट ट्रस्ट द्वारा कंप्लीट किया जाएगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही इस प्रोजेक्ट का काम शुरू किया जाएगा, जिसे कंप्लीट करने में 4 सालों का समय लगेगा। फिलहाल एलिफेंटा केव में जाने के लिए मुंबई से बोट पकड़ना होता है, जो कि 10 किलोमीटर का दूरी तय करने पर एलिफेंटा आइलैंड जाया जा सकता है। रोपवे प्रोजेक्ट बनने के बाद सिर्फ 14 मिनट के अंदर ही मुंबई से एलिफेंटा आइलैंड तक लोग जा सकेंगे। सरकार का मानना है इससे और ज्यादा लोग एलिफेंटा केव देखने के लिए आएंगे। अभी सालाना 7 लाख लोग एलिफेंटा आइलैंड पर आते हैं। इस रोपवे में एक साथ 30 लोग चढ़ सकता है, जिसके लिए पर हेड 500 रुपीस की टिकट होगा। जम्मू एंड कश्मीर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट। दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर एक टूरिस्ट विजिटेड प्लेस है, जहां पे साल भर टूरिस्ट की भीड़ लगा रहता है। इसलिए गवर्नमेंट अभी जम्मू एंड कश्मीर में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट बनाएगी। इसलिए गवर्नमेंट ने डॉक्टर ई श्रीधरन को बुलाया है, जो मेट्रो मैन नाम से परिचित है, एज अ प्रिंसिपल एडवाइजर मास रैपिड ट्रांजिट कॉरपोरेशन। ये लाइट मेट्रो रेल सिस्टम में लो नॉइस, ग्रेट कंफर्ट और खराब होने के चांसेस भी कम रहेगा। मेट्रो रेल के तरफ से बताया जा रहा है, काम शुरू होने के बाद अगले 4 से 5 साल के अंदर ही मेट्रो रेल प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। इस पूरे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में एस्टिमेटेड कॉस्ट करीब 8,500 करोड़ का है,
जो कि स्टेट गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिलकर एक साथ बनाएंगे। जम्मू एंड कश्मीर में लाइट मेट्रो रेल सिस्टम दो फेज में बनाया जाएगा। पहली फेज में बेमानिया से हजूरीबाग तक मेट्रो रेल नेटवर्क बनाया जाएगा, जो कि 25 किलोमीटर का कॉरिडोर होगा और इस कॉरिडोर में टोटल 26 मेट्रो स्टेशन बनवाया जाएगा। सेकेंड फेज में इंदिरा नगर से पंपोर और हजीराबाग से श्रीनगर एयरपोर्ट तक मेट्रो कॉरिडोर बनाया जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा इंडिया के अंदर अपकमिंग और भी कई सारे मेगा प्रोजेक्ट्स शामिल है, जो अगले वीडियो में हम लोग डिटेल्स के साथ जानेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर क्या रहे हो यार, जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन दबाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।